जय हिंद दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक ने वैकेंसी निकाली हुई है प्यून के पद पर। जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं और एक्स सर्विसमैन में जो कैटेगरी पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो ये वैकेंसी निकली हुई है ये वैकेंसी ऑल इंडिया नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। ये वैकेंसी है जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो प्यून की वैकेंसी निकली, फॉर्म भी बताएंगे कैसे भरना है और कितनी सैलरी, क्या डेट रहेगी फॉर्म भरने की, पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले बता दें जो जेएनके की वैकेंसी है, कल भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि जेएनके की काफी वैकेंसी निकली है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। और आज ये प्यून पंजाब नेशनल बैंक की वैकेंसी निकली हुई है, जेएनके की है, जिसमें जम्मू के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के। और ध्यान रखें जेएनके का कहीं का भी जेएनके में हो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करेगा, दो डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकते हैं। तो जम्मू में जो वैकेंसी निकली है, एससी के लिए एक है, एसटी के लिए दो है, ओबीसी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और जो हैंडीकैप्ड है, डिसेबल पर्सन, उनके लिए 2 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी है, केवल एक्स सर्विसमैन के लिए। ओएम 9 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 20 वैकेंसी है जम्मू में। इसके बाद कठुआ में वैकेंसी है 2 है ओबीसी के लिए और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद ओएम की 2 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 4 है जो कि कठुआ में है। इसके बाद सांबा में वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, इसके बाद ओएम के लिए 1 है, टोटल 3 वैकेंसी है। और राजौरी के लिए जो वैकेंसी है 1 वैकेंसी है एसटी के लिए और टोटल 1 ही है। तो अगर पूरी जो सारी देख लेते हैं वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 1 एससी के लिए है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 प्यून की वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी की 2 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की टोटल 6 वैकेंसी है, ओएम की 12 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी 28 वैकेंसी प्यून की निकाली गई है। नेक्स्ट एक वीडियो और बनाएंगे जो कि जेएनके का होगा, वो कल सुबह अपलोड होगा, यानी कि 20 तारीख को सुबह, वो जरूर देख लें जो जेएनके का। इसमें आके देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और बिना रिटर्न के आप इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बिना रिटर्न कोई रिटर्न नहीं होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास सभी अप्लाई कर सकते हैं जो 12th पास है, तो ध्यान रखें 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। एज मिनिमम होनी चाहिए 18 से 24 साल, 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूडी को 10 साल। इसके बाद एक्स सर्विसमैन को 3 साल प्लस, एक्स सर्विसमैन का दिया है 3 साल प्लस जो पूरी सर्विस की है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ध्यान रखें एक्स सर्विसमैन इसमें 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट रहेगी 28 फरवरी 2022। 28 फरवरी 2022 तक अप्लाई करना है, फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो ध्यान रखें फॉर्म कैसे भेजना है और फॉर्म कैसा रहेगा आगे देख लेते हैं। इसेंशियल क्या रहेगा, इसेंशियल दिए हुआ है 12th पास होना जरूरी है, 10th और 12th की मार्कशीट लगाना है इसमें। इसके बाद जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, 10th और 12th के जो मार्क होंगे उनको टोटल जोड़ के उनका परसेंटेज होगा, तो उनकी मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट होगी 10th और 12th पास के मार्क की। इसके बाद आप किस एड्रेस में फॉर्म भेजेंगे वो एड्रेस बता देते हैं। एड्रेस रहेगा चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल ऑफिस, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, गुप्ता टावर, बहु प्लाजा, जम्मू 180012। इसमें आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेजना है। ध्यान रखें बाय हैंड नहीं दे सकते हैं। आप जो फॉर्म भरेंगे तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखना जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद ये फॉर्मेट रहेगा आपका फॉर्म का, ये फॉर्मेट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये फॉर्मेट आप प्रिंट निकाल के डाल सकते हैं, अपना निकाल सकते हैं। नाम लिखना, फादर नेम लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखना, इधर फोटो छपानी है, पिन, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस पूरा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्स सर्विसमैन है तो यस और नो करना है और एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक भी साथ में भेजनी है।
इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल डालनी है, और इसमें जो दिया हुआ है अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मार्कशीट 10th 12th की रखना है, रेसिडेंस प्रूफ एड्रेस होना चाहिए, डिफेंस सर्विस प्रूफ, डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी आपको लगानी है, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट आपको लगानी है, इधर साइन करके और नाम लिख के आपको बाई पोस्ट भेजना है, एड्रेस पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट हम वैकेंसी कल जो बनेगी वो जम्मू और कश्मीर की होगी। जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपके ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। वो वैकेंसी कल सुबह 20 फरवरी को सुबह 7:30 बजे अपलोड कर देंगे वो वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।